हाय, दिस इज डॉक्टर मोहम्मद सोलो फ्रॉम देवबंद। आज आपसे बात करने जा रहे हैं यूनानी के एक ऐसे मुरक्कब के बारे में जो मेल और फीमेल दोनों ही दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से मुतालिक दवा है। यानी कि दोनों के जो फीमेल और मेल जो ऑर्गन्स होते हैं वो दोनों के अंदर वो दवा वो काम करती है। तो हम आपसे बात करने जा रहे हैं माजून पुम्बा दाना के बारे में। माजून, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि माजून एक ऐसा मुरक्कब होता है जिसकी शक्ल जो है वो हलवे से मुशाबे करती है, हलवे के जैसी होती है, मगर इसका जो क़िवाम होता है वो हमेशा थोड़ा गाढ़ा रखा जाता है ताकि मैदे में और आंतों में कुछ देर ये ठहर सके, तो इसलिए इसको हम माजून बोलते हैं। बहरहाल बात हुई माजून पुम्बा दाना के बारे में। पुम्बा दाना आपने पहले भी काफ़ी सुना होगा, लेकिन आम दवा आम जबान में हम इसको अगर बोलें तो इसको हम कहते हैं बिनोला। बिनोला अपने गांव के जो लोग होते हैं वो सभी लोग जानते हैं कि बिनोला किस काम आता है। बिनोला अगर आम जबान में बात करें या पुम्बा दाना की बात करें, यूनानी की जबान में इसको पुम्बा दाना बोला जाता है, तो बिनोला भैंसों को या गाय को या जो दूध देने वाले जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनको दूध को बढ़ाने के लिए, दूध की क्वालिटी को अच्छी करने के लिए बिनोले का जो है उनको इस्तेमाल करवाया जाता है। तो आधे लोग तो समझ गए होंगे कि बिनोले का या पुम्बा दाने का इस माजून के अंदर क्या काम है। तो फीमेल जो ऑर्गन है उसके अंदर जो विलादत के बाद जो जिन औरतों के अंदर दूध की कमी हो जाती है उसको बढ़ाने के लिए हम माजून पुम्बा दाना का इस्तेमाल कराते हैं। अब पुम्बा दाना डायरेक्ट तो किसी कोई ज़रिए से खिला नहीं सकते, इसमें और भी मगज़ियात का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ रोगनियात का इस्तेमाल किया जाता है। एक तरीके से एक तरकीब तैयारी से अगर हम उसको यहाँ डिस्क्राइब करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। बहरहाल एक तरकीब तैयारी से उसको तैयार करके माजून की शक्ल में बना करके मरीज़ को जायकेदार ग़िज़ा बना करके माजून के तौर पर एक ग़िज़ा का इस्तेमाल करवाया जाता है। असल में यूनानी की जो दवाएं होती हैं मोस्टली वो ग़िज़ाए दवाई ही होती है, यानी कि दवा भी और ग़िज़ा भी। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो दवा के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, मगर असल में अगर वो देखा जाए तो वो ग़िज़ा ही होती है। अब एलोपैथिक में या मॉडर्न मेडिसिन में कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो शीर को या दूध को बढ़ाने का काम करे, तो यहाँ पर हमें माजून का सहारा लेना पड़ता है। सिर्फ ग़िज़ा ही वो लोग भी तजवीज़ करते हैं कि दूध का इस्तेमाल कराएं, प्रोटीन्स का इस्तेमाल कराएं ताकि दूध को बढ़ाया जा सके। बहरहाल माजून पुम्बा दाना का एक इस्तेमाल तो हमने यहाँ पर फीमेल के बारे में बता दिया कि फीमेल्स में इसको हम कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। अब बात आती है मेल के लिए, मेल्स के लिए कहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो मेल्स में हम इसको प्रीमेच्योर इजेकुलेशन के केसेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको टाइमिंग में कमी आ रही हो, या लो स्पर्म काउंट में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि स्पर्म की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए एजोस्पर्मिया के केसेस में, स्पर्म की क्वालिटी जहाँ पर कमज़ोर हो उसको बढ़ाने के लिए, मैच्योरिटी कम हो स्पर्म के अंदर उसको बढ़ाने के लिए, गलाजत स्पर्म के अंदर अगर कम हो तो उसको बढ़ाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जिन लोगों में कमज़ोरी की वजह से प्रीमेच्योर इजेकुलेशन या धात गिरना या इसी तरीके से प्रोटीन की कमी किसी तरीके की वजह से, स्पर्म की क्वालिटी की कमी की वजह से कोई कमी आ रही हो, तो माजून पुम्बा दाना का बिला शुबा बिला किसी झिझक के इस्तेमाल करा सकते हैं। ये एक सेफ़ दवा है। इसी तरीके से अगर हम बात करें मोस्टली केसेस में जो हकीम या डॉक्टर होते हैं वो ये जानते हैं कि 60-70% जो है इसको मेल प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फीमेल प्रॉब्लम्स के लिए इसको बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जानते ही नहीं है। बहरहाल ये मेल और जितना ही मेल प्रॉब्लम्स में काम कर रहा है उतना ही ये फीमेल प्रॉब्लम में भी काम करता है। किसी मरीज को अगर प्रोटीन की कमी हो, क्योंकि पुम्बा दाना एक अपने आप में एक नेचुरल प्रोटीन है, इसके अंदर कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए गए, विटामिन्स भी पाए गए, मिनरल्स भी पाए गए, चार इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें पाई गई, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स। तो इसकी वजह से ही एक भरपूर अपने आप में एक मुकम्मल ग़िज़ा के तौर पर सामने आता है। तो माजून पुम्बा दाना का बकसरत इस्तेमाल
ख़ास तौर से जो शादीशुदा लोग हैं, जो दूध पिलाने वाली जो औरतें हैं, वो लगातार अगर इसका इस्तेमाल कराना चाहें तो करा सकती हैं। बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट जो है वो देखने को मिलता है। जो कमज़ोर लोग हैं, जो बच्चे कमज़ोर हैं, ख़ास तौर से जिनकी उम्र मैच्योरिटी की हो चुकी है, 13 से 19 के बीच में जिनकी एज है, उनको भी हम इसको इस्तेमाल करा सकते हैं, क्योंकि कमज़ोरी की वजह से, प्रोटीन की कमी की वजह से उनको धात गिरने की शिकायतें अक्सर आती रहती हैं। तो माजून पुम्बा दाना का उसको उनको इस्तेमाल करा के स्पर्म की क्वालिटी को बढ़ाकर, और क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन भी है तो ये मसल्स को भी बिल्डअप करने का काम करेगा, तो उनको ताकतवर बना करके इस बीमारी को, प्रीमेच्योर इजेकुलेशन को, सूरत इंजाल को, इसको रोका जा सकता है, इसको तकरीबन काफ़ी हद तक ख़त्म किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कमज़ोरी को दूर करने के लिए इस का इस्तेमाल मेल और फीमेल दोनों में कराना चाहें तो कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो पुम्बा दाना अब आप अच्छी तरीके से समझ ही गए होंगे, इसमें मगज़ियात का ख़ास तौर से इस्तेमाल किया गया है, इसमें जो है रोगनियात का इस्तेमाल किया गया है, तो पूरे मुकम्मल एक ये ग़िज़ा बना करके पेश की गई है। ये हकीमों का एक नायाब नुस्खा है जिसको हमें लगातार इस्तेमाल करते रहना चाहिए, और यूनानी को हमें अपने घर में, अपने एक रूम में या फिर एक ख़ास तौर से इस्तेमाल करना चाहिए। सभी लोग यूनानी को इस्तेमाल करें, बहुत सारी जो मेडिसिन्स हैं जो नुकसान देने वाली चीज़ें होती हैं उनसे बचें, और यूनानी को अपने घर घर आजमाएं, घर घर अपनाएं, तो उससे हमें जो है बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। आप लोगों ने देखा होगा जो 90, 95, 100 साल के जो बुज़ुर्ग होते हैं, ख़ास तौर से उलेमा हमारे, ज़्यादातर खमीरों का, माजूनात का, कुश्तों का इस्तेमाल करते हैं और लंबी ज़िंदगी वो लोग पाते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम लोग भी इन दवाओं पर आ जाएं और एलोपैथिक के इस्तेमाल को कम करें तो हमारी ज़िंदगी अच्छी और बेहतरीन गुजर सकती है। थैंक यू वेरी मच।